मोजिज़ दोस्तों, मैं उली हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, तहम्मुल मिजाजी एक बहुत प्यारी सिफत है। जिस इंसान को ये सिफत हासिल हो जाए, वो बड़े से बड़े एतराज़ का जवाब बखूबी दे सकता है। गुस्सा इंसान की अकल को खा जाता है और इंसान बेकाबू होकर अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज कह जाता है जो बाद में इसके लिए बायस शर्मंदगी बन जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को अल्लाह ने जहां जहानत और दूसरी इखलाकी खूबियों से नवाजा है, इसमें तहम्मुल मिजाजी भी पेश पेश है। नाज़रीन मोहतरम, लाखों की तादाद में आए अफराद में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। इनमें कुछ कम अकल और कुछ झगड़ालू भी होते हैं, और कुछ तो इस्लाम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा सवाल लेकर आ जाते हैं जिसको सुनकर आम इंसान के लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक नहायत खंदा पेशानी से इनके एतराज का जवाब देते नजर आते हैं। ऐसी ही एक झगड़ालू लड़की डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल करने पहुंची और डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल करने से पहले ही झगड़ा शुरू कर दिया। इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नायक से कहा, आप दूसरों पर तो एतराज करते हैं, लेकिन हकीकत में आप खुद भी अपनी बात को जबरदस्ती लोगों पर आयद करते हैं। आप अपनी बात को सच साबित करने के लिए यहाँ वहाँ से बातें जोड़ तोड़ कर पेश करते हैं और खुद ही एक नतीजा निकाल लेते हैं। हकीकत में आपकी बात दुरुस्त नहीं होती, लेकिन आपका यही कहना होता है कि बस मेरी बात ही दुरुस्त है, और फिर दूसरों को बोलने का मौका भी नहीं देते। इस लड़की की बातों को सुनकर डॉक्टर जाकिर नायक को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन आपने इस पर काबू रखा। सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक है, अब ये लड़की हमें सिखाएगी। इस लड़की ने कहा कि आपके पास स्टेज और ताकत है, इसीलिए आप ऐसा करते हैं, बाकी आपकी बात में कोई पुख्तगी नहीं होती। डॉक्टर जाकिर नायक बड़े तहम्मुल से इस लड़की की बात को सुनते रहे। बिलाखिर इसके चुप होने के बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने अपनी बात का आगाज करते हुए कहा, बहन ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं हवा में तीर चलाता हूँ, और जिस सिमत में तीर चलाता हूँ शिकार को लेकर इसके सामने आ जाता हूँ, और यूं अपनी तीरंदाजी पर फख्र करता हूं। या यूं कह लूं कि आपने बुलजाई गेम के बारे में तो सुना होगा। इस गेम में द्वार पर लगे एक गोल चक्कर पर हाथ से छोटा तीर मारा जाता है। इस चक्कर के ऐन दर में एक छोटा दायरा होता है जिसको बुलजाई कहा जाता है। इस बुलजाई पर निशाना लगाने वाले को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। इस बहन का कहना है कि मैं अपने तीर को छोड़ने के बाद इसे खुद बुलजाई पर लगाकर चिपका देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा सुन रहा हूँ, आपने इल्जाम तो लगा दिया है, अब आप इसको साबित करें, मैं सुन रहा हूँ। आप मेरा एक लेक्चर दिखाएं जिसमें मैंने किसी शख्स से जबरदस्ती बात मनवाई हो या किसी से झगड़ा किया हो, मुझे आप दिखा सकती हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने मामूली सख्त लहजे में कहा, अगर आपने इल्जाम को साबित ना किया तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे हवा में तीर चलाया और खुद ही इसको बुल्स आई कर दिया, मतलब कि मेरा निशाना दुरुस्त लगाया। मैंने जो बात कही वही दुरुस्त है। डॉक्टर जाकिर नायक की बात सुनकर लड़की आए शाए करने लगी और कहने लगी, आपको स्टेज पर खड़े होकर जिंदगी का मकसद समझाना चाहिए, आपको तमाम मजाहिब के लोगों को मुतमिन करना चाहिए, लेकिन आपका सारा जोर अपने दीन पर होता है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा, चलें आप जिंदगी का मकसद समझा दें मुझे भी और हाल में बैठे लोगों को भी। इस लड़की ने अपनी बदतमीजी की रविश को जारी रखा। ये लड़की कोई बात सुनने तक को तैयार न थी और बात को मसलसल टोके जा रही थी। बिल आखिर डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा, चलें आप अपने इब्तदाई इल्जाम को साबित करें, मेरा कोई लेक्चर दिखाएं जहां मैंने जबरदस्ती अपनी बात को किसी पर डाला हो या जबरदस्ती अपनी बात मनवाई हो। इस लड़की की बदतमीजी जब इंतहा तक पहुंची तो इंतजामिया ने इसका माइक बंद कर दिया। इस लड़की ने कुछ बोलना चाहा तो डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि इसका माइक खोल दिया जाए, ये हमें सिखाने आई हैं। माइक ऑन होते ही तूफानी बदतमीजी से लड़की कहने लगी, मैं किसी को कुछ सिखाने नहीं आई बल्कि आपसे सवाल करने आई हूँ। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी कोई सिखा सकता है। लड़की ने फौरन बात को घुमाते हुए कहा कि आप किसी को कुछ बोलने नहीं देते बल्कि अपनी ही सुनाते रहते हैं। जिस पर डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा, ठीक है आप। इस लड़की ने कहा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सारों के ख्यालात बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं सब इसी रास्ते पर चलें जिस पर आप चल रहे हैं। हालांकि सबकी अपनी जिंदगी है, हर इंसान की अपनी एक फितरत होती है जिसे वो नहीं बदल सकता। आपने सब इंसानों को बदलने का ठेका ले रखा है, आप चाहते हैं सब आपके बताए हुए तरीकेकार के मुताबिक जिंदगी गुजारें। ये इस लड़की की तरफ एक और इल्जाम था। डॉक्टर जाकिर नायक ने इस लड़की की ज़हनियत को जान चुके थे, इसलिए मजीद बहस में पड़ने से आपने सिर्फ इतना कहा कि आपने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है, मैं हवा में तीर चलाता हूँ, इसका कोई सबूत आपके पास है या नहीं? आपने सारे हाल को डिस्टर्ब कर रखा है, आप अपने इल्ज़ाम का सबूत पेश करें।
जिस पर ये लड़की आएं बाएं शाएं करने लगी। आखिर में गुस्से से भरी ये लड़की ये कहते हुए माइक के सामने से हट गई कि डॉक्टर जाकिर नाइक किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं देते, बल्कि यही चाहते हैं कि लोग इनकी हर बात को माने और चुप करके बस इन्हीं की सुनते रहें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात का इख्तिताम अच्छे अल्फाज में किया और कहा कि उम्मीद है अगली बार आपसे मुलाकात पर हमारे बीच ऐसी फिजा कायम नहीं होगी। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।